Have you completely lost it? मैंने कहा ना घर पे नहीं है वो. मुझे पता है वो घर पर ही है. पार्वती, पार्वती यार मैं तुमसे मिलने आई हूँ स्पेशली. तुम सॉरी बोलो. किसने? आपके घर में बिना बताए आने के लिए या फिर ये आपकी इस और वाली बात के लिए? मुझे किडनैप करने की कोशिश करवाने के लिए. किडनैप? दोनों पप्पुओं के नाम बताऊं तुम्हें? अविनाश और जय. यू आर सो डैम लकी कि मैंने कल रिएक्ट नहीं किया क्योंकि गणेश उत्सव चल रहा था. And I swear to God, मैं तुम्हारा वो हाल करती कि माई डार्लिंग गर्ल तुम यहाँ मेरे सामने खड़ी नहीं होती आज. कम ऑन, कंटिन्यूसली चो 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 करती रहती हो. से सॉरी. आई एम रियली सॉरी. लेकिन पार्वती वो एक गहरे समुंदर की तरह है. अंदर जितना तूफान है ना बाहर से उतनी ही शांत है. आप मुझे डराने की कोशिश कर रही हैं? और क्या डरूंगी नीति. राजीव को समझ में नहीं आ रहा कि भाई पार्वती अचानक से एक रात के लिए कहाँ गायब होगी और किससे मिलने गई है. अब भाई हमने तो देखा ही था ना कि नीति और परी में बहस चल रही थी. यहाँ पर परी बोल देती है कि तुमने मेरी मॉम के ऊपर अटैक किया है ना नीति, अब तुम देखो मैं तुम्हारी मॉम के संग क्या करती हूँ. और वो पहुंच जाएगी बरनाला उसकी माँ के पास और उसको लेकर आएगी चंडीगढ़. अब भाई पहले तो वो पहुंचती है, एक रात रुकती है, उनसे बात बात करती है, थोड़ा सा उनको डराती भी है, धमकाती भी है कि उनकी बेटी क्या कर रही है. और फिर अगले दिन भाई चंडीगढ़ उसको लेके आ जाती है. और यहाँ पर नीति जैसी अपनी माँ को देखेगी तो बहुत खुश हो जाएगी. लेकिन जब उसको ये पता लगने वाला है कि भाई ये तो परी ने की थी सारी हरकत, तब क्या करेगी नीति. ये तो देखने वाली चीज है. अब नीति को थोड़ा डर लगने लगेगा और यहाँ पर हो सकता है कोई डर के चक्कर में बड़ा हादसा कर दे. क्योंकि यहाँ पर भाई उसको ये तो लग गया है कि अब मेरी माँ को लेने बरनाला पहुंच गई और यहाँ चंडीगढ़ लेकर आ गई तो अब ये कुछ भी कर सकती है. तो यहाँ अंबिका के ऊपर अटैक तो नहीं कराएगी नीति, क्योंकि अंबिका के ऊपर अटैक कराए तो हमने देखा ही था किस तरीके का उसका प्लान फेल हो गया था. लेकिन कुछ तो ऐसा बड़ा करेगी जिससे ना परी को नुकसान पहुंचे. अब यहाँ पर परी भी अपनी चाल चल रही है क्योंकि यहाँ पर दिलजीत को जेल में बंद करा चुकी है. अब उसका मेन टारगेट है नीति. अब नीति को किस तरीके से फंसाती है अपने जाल में ये तो आने वाले एपिसोड में देखेंगे. लेकिन आप मुझे बताइए आपको परिणीति का एपिसोड कैसे लग रहा है और यहाँ पर राजीव की हालत कैसी लग रही है आपको. भाई राजीव तो ना पार्वती के प्यार में पागल हो गया है. उसको सुबह शाम सपनों में ना सिर्फ पार्वती ही दिख रही है और यहाँ पर तो भाई एक बार परी भी आ जाती है उसके सपने में और बोलती है कि मैं तो तुम्हारे सामने ही हूँ, तुम देख ही नहीं पा रहे हो, मेरे को विश्वास ही नहीं कर पा रहे मेरे को, तुम मेरे को तो नजरअंदाज कर रहे हो और परी तुम्हारे सामने ही है, तुम्हारी तुम पहचान कैसे नहीं रहे हो. अब ये सारी चीजें ना वो ताई जी से डिस्कस करता है और यहाँ पर ताई जी को कुछ ना कुछ लग रहा है कि हो सकता है कि पार्वती का इशारा हो. और यहाँ वो राजीव को बता भी रही है कि भाई ऐसा तो नहीं कि जो पार्वती है वही हमारी परी हो. तो देखते हैं अभी किस तरीके से ये सच सामने आएगा, तब भाई राजीव क्या करने वाला है. लेकिन अभी तो यहाँ गणपति जी का विसर्जन है, सारे लोग डांस वगैरह कर रहे हैं, आरती वगैरह कर रहे हैं, राजीव और परी आरती करते हैं पहले, उसके बाद नीति भी आ जाती है इन लोगों के साथ और नीति भी आरती करने लगती है. तो यहाँ पर गणपति बापा का विसर्जन हो रहा है तो भाई अब कुछ ना कुछ ब्लेसिंग्स देके गई है गणपति बापा परी के ऊपर. तो हो सकता है कि भाई नीति अपने आप ही अपना सच बता दे और उसका पर्दाफाश हो जाए.